पिता थे प्रोड्यूसर तो चाचा डायरेक्टर और भाई हैं सुपरस्टार, फिर भी अपनी तकदीर नहीं बदल पाए। एक्टर डूबा करियर, फैसल खान, अनटोल्ड स्टोरी। फैसला खान फिल्म निर्माता ताहिर हुसैन के बेटे हैं। उनके भाई आमिर खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं और उनकी दो बहनें हैं, निकहत खान जो एक निर्माता हैं और फरहत खान है। उनके चाचा नासिर हुसैन एक निर्माता और निर्देशक थे। इतने बड़े फिल्मी परिवार से आने के बावजूद क्यों गुमनामी भरी जिंदगी जी रहे हैं, आइए आज उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपको बताते हैं। फैसल खान का जन्म 3 अगस्त 1963 को मुंबई, इंडिया में हुआ। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान के भाई फैसल खान ने अपने चाचा नासिर हुसैन की 1969 की फिल्म प्यार का मौसम में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी और उस वक्त वह महज 3 साल के थे, और फिल्म में उन्होंने एक बच्चे के रूप में शशि कपूर की भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1988 में अपने भाई आमिर की फिल्म कयामत से कयामत तक में एक खलनायक के रूप में एक छोटी भूमिका निभाते हुए एक वयस्क के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने पिता की 1990 की फिल्म तुम मेरे हो में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया, जिसमें उनके भाई आमिर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फैसल को पहली लीड रोल वाली फिल्म मदहोश मिली, जो साल 1994 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जो उनके पिता द्वारा निर्मित और विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित थी। अपनी पहली लीड रोल वाली फिल्म से उन्हें कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिला और फिर डेब्यू फिल्म के बाद ही उन्होंने 6 साल की ब्रेक लिया। ब्रेक के बाद उनकी दूसरी फिल्म साल 2000 में आई थी, जिसका नाम था मेला। इस फिल्म में उनके साथ आमिर खान भी नजर आए थे और साथ में थीं ट्विंकल खन्ना। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन तो ठीक ठाक रहा, लेकिन इससे फैसला को ज्यादा फायदा नहीं हुआ और इसके बाद वह कुछ और फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते नजर आए। कुछ समय के लिए फैसल ने टीवी की ओर भी अपना रुख किया था, लेकिन सफलता उन्हें यहां भी नहीं मिली और साल 2005 में वह आखिरी बार बड़े पर्दे पर नजर आए और उस फिल्म का नाम था चांद बुझ गया। इतने बड़े फिल्मी परिवार से आने के बावजूद वह फिल्मों में सफल नहीं हो पाए, या ये कह लें कि वह अपनी तकदीर को नहीं बदल पाए और उनका करियर देखते ही देखते डूब गया। वहीं कुछ साल पहले फैसल ने आमिर और अपने परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2007-08 में फैसल ने अपने परिवार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने पर आरोप लगाया था कि उनके भाई आमिर उन्हें दिमागी तौर पर बीमार बताते हुए उन्हें घर में कैद कर दिया था, जबकि उनका कहना था कि वह बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें गलत दवाइयां दी जाती थीं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।